पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की वसुंधरा राजे सरकार पर जमकर हमले बोले। गहलोत ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की हेलीकॉप्टर उपयोग पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम राजे जयपुर में मेहमान की तरह आती है और हवा में ही उड़ती रहती है। जनता सब देख रही है। समय आने पर जनता उन्हें हवा में ही उड़ाती रहेगी। गहलोत बुधवार को अपने सरकारी आवास पर मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि लोग अपनी फरियाद लेकर खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुनवाई नहीं होती है। सीएम उनसे बिना मिले ही चली जाती है। जनता माफ करने वाली नहीं है। यह सरकार लाठीचार्ज की सरकार है। हक मांगने वाले किसान, युवाओं, बेरोजगारों और आम जनता को लाठियों के दम पर दबाया जा रहा है। गहलोत ने यह भी कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। न्यायपालिका और केंद्र सरकार में टकराव के हालात बने हुए हैं। देश में कोई खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहा है और ना ही देश के हालातों से खुश है। अपने सरकारी आवास पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि न्यायपालिका में टकराव के हालात पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी चुप्पी साध रखी है। राजस्थान में माफिया राज पनप रहा है। शराब, जमीनी तस्करी के माफियाओं के साथ अब राज्य में बजरी माफिया पनप गया है। बजरी माफिया प्रदेश की संपदा को लूट रहे हैं। इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह कर रही है। जनता लूटी जा रही है। सरकार की माफिया से मिली भगत के चलते बजरी खनन पर लगी रोक से लाखों मजदूर बेकार हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की घोषणा के बावजूद किसानों से फसलें खरीदी नहीं जा रही। किसान लहसुन टमाटर को सड़क पर फेंकने को मजबूर है। उन्हें साग सब्जी और फसलों के दाम नहीं मिल रहे और सरकार चुप बैठी हुई है। युवाओं को भी रोजगार नहीं देकर उनके साथ धोखा किया है। प्रदेश में तबादला उद्योग पनप गया है। पैसे लेकर तबादले किए जा रहे हैं। गहलोत ने वसुंधरा राजे सरकार पर आरोप लगाया कि अब चुनाव देख बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही है, जबकि 4.5 साल तक सरकार ने कुछ नहीं किया। प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। हर किसी को गुमराह किया जा रहा है। जो हक की मांग कर रहा है उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। यह सरकार लाठीचार्ज के रूप में जानी जाने लगी है। विधानसभा चुनाव में जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है।